हाँ जी, की हाल चाल? बढ़िया सब यार। बहुत सारी वीडियोस में हमने क्या करा, स्काई शॉट के ऊपर सामान रख के कोई तोड़ा है, कोई उड़ाया है, बट आज क्या करा है, बहुत छोटी सी चीज़ है, ग्लास, जिससे आप पानी पीते हैं, मट्ठा पीते हैं, लस्सी पीते हैं, आप किसी भी चीज़ में ले सकते हैं यूज़ में ग्लास को। बट हमने क्या लिया, इस ग्लास को यूज़ करेंगे। ये छोटा स्काई शॉट लिया, आज बड़ा स्काई शॉट नहीं लिया क्योंकि ग्लास छोटा, ग्लास आने रहा था। अब ये ग्लास आ गया इसके ऊपर पूरा फिट। अब इसमें से शेल निकलेगा, शेल, ये स्काई शॉट छोटा है तो इसका शेल भी छोटा है, पर स्काई शॉट छोटा, शेल छोटा, पर जो रेंज आने वाली है ना ग्लास की, वो बहुत जबरदस्त जाने वाली है। अब कितनी जाएगी ये तो पता चलेगा जब वीडियो स्टार्ट होगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, स्काई शॉट को रखते हैं यहाँ पे और सीधा लगाते हैं, ये रखा और सीधा लगाते लाइटर, तब देखते हैं ग्लास कहाँ जाता है। तो ग्लास पता कितने दूर आगे गिरा, ग्लास गिरा या खेतों आगे गिरा। अब यहाँ कांटे और लग रहे हैं, देख लो यार, पूरा ग्लास लेके आना पड़ेगा मुझे। आज किधर से ये रहा ग्लास, ग्लास रिकवर हो गया। तो अपना ग्लास हम लेके आ चुके हैं, साइड में गिर गया था। अब जो ग्लास है, ग्लास कहीं से डैमेज नहीं है, कुछ नहीं है, ग्लास बिल्कुल सही है। तो ग्लास को धो के, अच्छे से धो के, साबुन वाबुन लगा के ये वापस से यूज़ में आ जाएगा। पानी पियो, मट्ठा पियो, जो मर्जी करो, तो वापस से ग्लास यूज़ में आ जाएगा। और जो ये था स्काई शॉट, इसके तो कपड़े उतर गए यार, ये देखो जो इसके कवर थे वो सारा का सारा उतर गया और ये हो गया बिल्कुल अब यहाँ पे खाली। तो ये होता है जब हम शेल के यूज़ लेते हैं, मतलब जब हम ग्लास को स्काई शॉट के ऊपर रख देते हैं ना, तो ये होता है ग्लास जाता बहुत ऊपर। जैसे मैंने शुरू में बताया था ना कि शेल शायद छोटा हो बट जो रेंज पकड़ेगा ना वो कम नहीं पकड़ने वाला, तो रेंज पकड़ी इतनी अच्छी। और जो शेल है, देखो शेल यहाँ पे बड़ा, इसका ये रहा शेल भी यहीं आ गया, इसका शेल इतना बड़ा नहीं होता कि जाके ऊपर फट जाए ऐसा, तो शेल भी मोटा सा था, निकला उसने शावर निकला और शेल सीधा का सीधा नीचे आ गया। तो ये हुआ आज की वीडियो में। अगर आपको आया मज़ा तो वीडियो करना लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। हम मिलेंगे अब दोबारा नई वीडियो में कुछ नया करते हुए, तब तक के लिए बाय बाय।